2004, 2008 और 2011 JBT की अंतर जिला तबादला प्रक्रिया हुई पूरी। अब 6 साल से इंतजार कर रहे 2017 बैच के JBT को मिलेंगे 27 जिले। 2017 JBT की बची 4844 और विज्ञापन की 9870 सीटें आवेदन के लिए करवाई जाएंगी मुहैया। हरियाणा शिक्षा विभाग 2004, 2008 और 2011 बैच के JBT की सफलतापूर्वक अंतर जिला तबादला प्रक्रिया पूरी कर चुका है। अब 2017 बैच के JBT को विभाग द्वारा ड्राइव चलाकर स्थायी जिले आवंटित किए जाएंगे दोस्तों, जिसका 2017 बैच के JBT पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे थे। विभाग द्वारा इस बैच के JBT को 2004, 8 और 2011 JBT की स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष बची 4844 और विज्ञापन की 9870 सीटें आवेदन के लिए मुहैया करवाई जाएंगी। यानी 2017 बैच के JBT को तबादला प्रक्रिया के दौरान कुल 14714 खाली सीटें उपलब्ध होंगी दोस्तों। बता दें कि विभाग की रैशनलाइजेशन के अनुसार प्रदेश में JBT के कुल 35638 पद हैं। 2017 बैच के JBT को विज्ञापन अनुसार इतने पद होंगे उपलब्ध। अगर 2017 बैच के JBT के विज्ञापन के अनुसार पदों की बात की जाए तो उन्हें 9870 पद उपलब्ध होंगे। इनमें सामान्य श्रेणी के 3985 हैं, SC के 1614 हैं, BCA के 1281 हैं, BCB के 712 हैं, ESM जनरल के 665 हैं, ESM SC के 190 हैं, ESM BCA के 190 हैं, ESM BCB के 287 हैं, OSP जनरल के 93 पद हैं, OSP SC के 93 पद हैं, OSP BCA के 41 हैं, OSP BCB के 41 हैं, फिजिकल हैंडीकैप लो विजन 339 हैं और फिजिकल हैंडीकैप लोकोमोटर के 339 पद उपलब्ध होंगे। इसके अलावा शेष बचे 4844 पद भी उपलब्ध होंगे। 7 अक्टूबर से शुरू होगी तबादला प्रक्रिया। 2017 बैच के JBT के अंतर जिला तबादलों की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। विभाग द्वारा 2017 बैच के JBT को सीधे स्थायी जिले आवंटित किए जाएंगे, जिसके लिए JBT से मनपसंद के जिले के विकल्प मांगे जाएंगे।